हाँ तो रिचा मेरे साथ है, तो रिचा है सोलो, सोलो मतलब कि सोलो ट्रैवल करती है। सोलो का मतलब ये भी हो सकता है अकेले। और मेरे को इंग्लिश में सीखने को कहाँ से मिला था, मेरे को डांस एक रियलिटी शो में मिला था कि परफॉर्म कैसे कर रहे हैं आप, सोलो हैं, डू इट का मतलब दो हो गया, फिर ट्राई का मतलब थ्री हो गया, देन उसके बाद ज़्यादा होते हैं तो ग्रुप होता है, आई एम राइट, है ना। तो रिचा को ट्रैवलिंग का शौक है ज़्यादा, और रिचा सोलो ट्रैवल करती हैं। तो रिचा कहाँ कहाँ घूमते हो आप, पूरे इंडिया में घूमते हो? नहीं, मेरा टारगेट तो पूरे इंडिया का है, बट अभी मैं बहुत ही कम प्लेसेस अभी कवर कर पाई हूँ। थोड़ा लाउडली बोलो आप, इसमें आवाज जा रही है वैसे। ओके ओके, एकदम डन ना, टेंशन ना लो आप। अभी मैं मतलब मोस्टली मैं माउंटेन्स कवर करती हूँ, क्योंकि अच्छा। मुझे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑल दो मुझे थोड़ा हाइट फोबिया है, बट माउंटेन्स का अपना मतलब नशा है, अलग लव है। अच्छा ये बता रिचा, अलग अलग जाते हो आप? हाँ। अकेले होते हो? हाँ। आपकी जर्नी में प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे एक लड़की है घर से बाहर निकलती है, तो वहीं से बातें शुरू होने लग जाती है कि कहाँ गई है, कहाँ जा रहा है, एक तो वो चीज़ें हो जाती हैं। एक टाइम के बाद मतलब थोड़ा थोड़ा होता है चैलेंजिंग, लाइक पेरेंट्स को मनाना या फिर कुछ ऐसा, बट एक टाइम के बाद वो लोग समझने लगते हैं मतलब। चलो हाँ, देन उसके बाद हम आते हैं, पेरेंट्स समझ गए ठीक है, मतलब घर पे बात हो गई, देन उसके बाद मोहल्ला आता है, चलो इग्नोर मार दिया, फिर गांव आता है ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं, अच्छा बुरे बातें करते हैं, देन उसके बाद हम वहाँ से निकलते हैं, ख़ास तौर पर लड़की जो कि अकेली है। उसके बाद जो लड़की मान लो फॉर एग्जाम्पल बस में बैठती है तो कैसा नज़रिया होता है, ट्रेन में बैठती तो कैसा होता है, टैक्सी में बैठती तो कैसा होता है, होटल में जाती तो कैसा होता है, और वैसे ओपन जैसे पहाड़ों में घूमती है अकेले, तो मतलब कि फीडबैक कैसा रहता है, नज़रिया कैसा रहता है लोगों का? मिक्स है, लोग अच्छे भी मिलते हैं, लोग ख़राब भी मिलते हैं, लोग ऐसे भी मिलते हैं जो आपको मतलब आपका काइंड ऑफ एक होता है ना कि अकेली लड़की देख के कि हाँ भाई इनको कुछ पता नहीं होगा, तो उस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर रहना पड़ता है चीज़ों से ना, कि मैं मोस्टली गूगल की हेल्प लेती हूँ, एंड अभी मैं इतना ट्रैवल कर चुकी हूँ तो मेरे कॉन्टैक्ट्स इतने बन गए, तो मैं सबसे एक वो होता है ना कि हेल्प लेके कि हाँ यार यहाँ कैसे जाना है, यहाँ पे क्या स्टे मिलेगा, तो ऐसे रिव्यूज़ देख के कि रिव्यूज़ क्या क्या है क्या नहीं है, तो वो सब देख के ही जाती हूँ। मैं बहुत सारे मतलब बैकपैकर्स और ट्रैवल वाले ग्रुप्स में एडेड हूँ, तो उन लोगों से फीडबैक ले लेती हूँ, तो देर आर मैनी पीपल जो सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, वेरी मतलब बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत ख़राब लोग भी मिलते हैं, तो एक्सपीरियंस मिक्स्ड रहता है। तो बाकी लड़कियों मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बोलते हो कि यार मैं अकेली हूँ, मैं कहीं पे जा नहीं सकती, निकल नहीं सकती, तो ये एक्सक्यूज मत देना, क्योंकि एक बार जब आप अपनी कंपनी इंजॉय करने लगते हैं तो आपको किसी और कंपनी की आई डोंट थिंक ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि अकेले अकेले है ना, मुझे अच्छी बात लगी यार रिचा कि मैं अकेले मैं भी नहीं कर पाता कुछ, मैं जाता हूँ कभी कभार, मेरा इतना मन भी नहीं होता, लेकिन मैं ये कहता हूँ रिचा यार तेरा इतना अच्छा दोस्त बैठा तेरे साथ, तेरे को अकेले जाने की जरूरत क्या है, लेकिन क्या आज तो मतलब अपना स्पेस, अपना स्पेस, जब आप एक बार सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देते हो ना, तो आप आई मीन यू डोंट प्रेफर टू गो विद लाइक समवन कि हाँ ठीक है यार, और फिर वो होता है ना कि आपको एक बाउंड लगने लगता है, आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो कि हाँ यार मुझे इसके हिसाब से घूमना पड़ेगा, इसके हिसाब से रहना पड़ेगा। सोलो में क्या है कि यार आपको कहीं भी रहना है, आपको सस्ता स्टे देखना है आप सस्ता देखोगे, वरना किसी के साथ जा रहे हो तो आपको लगेगा कि क्या कहते हैं आपको इसके हिसाब से भाई उसकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से भी लेना है, तू वहाँ नहीं जा रहा मैं भी नहीं जा रही, चल वो क्या कहते हैं तेरे को नहीं खाना चल ठीक है मैं भी नहीं खा रही, तो ऐसे कॉम्प्रोमाइज से लगने लगता है। सिचुएशन ये कि अगर दो बंदे होते हैं तो उसकी कंडीशन होती है कुछ, जैसे कि हम दोनों हैं, कुछ रिचा की कंडीशन है कुछ मेरी है, तो कहीं भी हमारी थिंकिंग मैच करती नहीं पाएगी, जिसके कारण रिचा सोचेगी कि यार रिकी ऐसे कर रहा है, रिकी सोचेगी कि रिचा ऐसे कर रही है, तो इसलिए रिचा ने डिसीजन लिया कि मैं सोलो करूँगी, अकेले ही ट्रैवल करूँगी, घूमूँगी फिरूँगी और नाचूँगी गाऊँगी, मस्ती में रहूँगी आराम से, फुल मतलब कि इंजॉय करूँगी लाइफ को, ताकि मतलब कि अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि अगर सोलो की जैसे आप बात करें तो आप सिंगल हो या क्या, अभी मैंने पूछा नहीं यार, तो मेरा नंबर आपके पास है ना मतलब कि, तो अरे वो मेरे पास बहुत लोगों के नंबर्स हैं, मुझे सिंगल ही रहना, मैं सोलो ट्रैवलर हूँ लाइफ की भी यार। एक्चुअली वो तो बात आपकी सही है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो आप सोलो कब तक रहेंगी? नहीं नहीं मैं सोलो मतलब मुझे लगता है मैं सोलो रह सकती हूँ लाइफ में, क्या मेरे पास बहुत सारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब कि यार मैं एक्चुअली देखो ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ यार ठीक है, पहली बार, वैसे तो मैं लड़कियों को बोलता हूँ ऐसे कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ,
रिचा को पता नहीं, अभी रिचा ने शायद मेरी वीडियो भी नहीं देखी है, और रिचा ने मेरे को वॉइस से ऐसे पहचान लिया था कि यार ये रिक्की लग रहा है एक बार, तो हमारी बात हो गई। तो सोलो ट्रैवल आप लड़कियां भी कर सकती हैं और रिचा से कुछ सीख सकती हैं, इस बारे में यही कहूँगा आपको। तो और रिचा आज का क्या प्लान है ये बता, कहाँ चलेगी? आज का प्लान मतलब मैं ऐसे प्लान नहीं करती, आई गो आउट एंड सी थिंग्स के जैसे भी, अभी तो खैर थोड़ा गर्मी है, इवनिंग में आई गो आउट एंड सी थिंग्स के हाँ ठीक है जैसे भी होगा, कुछ नहीं हुआ तो मसूरी चले जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर देहरादून में घूम लेंगे, बाहर खाएंगे पिएंगे घूमेंगे बस करेंगे और अच्छा। तो आप ना सच में बहुत, आपका फेस है ना बहुत ही गुड लुकिंग है और आप बहुत ही क्यूट हो, और देखो यार वीडियो बनाता हूँ लेकिन मेरा भी कभी कभार ना किसी लड़की पे दिल आ जाता है, लेकिन क्या करूँ, और वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती मुझे कैमरा पे बहुत कुछ, मैं अपनी जो बाँप होती है ना बड़ास होती है, क्योंकि बाद में तो लड़की हाथ में आनी नहीं है, तो कैमरा के सामने जो कुछ करना कर लो भाई, बोल लो जो भी करना होता है, और मेरे को एक मौका मिल जाता है लड़के से बात करने के लिए, इसीलिए शायद मैंने यूट्यूब बनाया ताकि मैं अच्छे से बात कर पाऊँ और अच्छी सी लड़कियों से साथ में घूम पाऊँ, मेरा टारगेट ऐसा रहता है। अब रिचा बोलेगी कि वीडियो डिलीट कर दिए तुमने, क्या बोला क्या नहीं। अच्छा रिचा एक बात बताऊँ, मैंने YouTube स्टार्ट तक क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ। देखो एक्चुअली मेरा घूमने का शौक़ था और मेरे को लड़के लड़कियों से जैसे नई नई बंदी होती हैं उनसे मेरे को मिलने का या गिरा शौक़ था, तो और स्टार्स जो लोग होते हैं उनसे मिलने का, तो मेरा पैसा तो लगता था वहाँ जाने में राइट, फिर घरवाले बोलते थे कहाँ पे गया क्यों गया, तो मैंने YouTube बनाया। अब मैं बोलता हूँ घरवालों को मैं YouTube की वीडियो के लिए जा रहा हूँ भाई, मैं मेरे काम के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को मज़ा आता है वहाँ पे, तो इसलिए मेरा YouTube है ना बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मेरे को कहीं पे पुलिस रोकती तो भी YouTube का मैं काम कर रहा हूँ, और वैसे तो बिजनेस है मेरा, और क्या बोलते तेरा कहीं पर भी जाओ, और ये लाइव है ना कैमरा में रिकॉर्ड होती है कि फिर उसके बाद याद आता है कि एक साल पहले हम कहाँ पे थे, क्या था क्या नहीं। अब कुछ लोग क्या होता है कि मेमोरी मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाते, वो वैसे दिमाग में याद रखते हैं, तब मुझे याद रहेगा कि 10 साल पहले आपके साथ में था, मैं वीडियो पर डालता वो, तो आज हम मिलते तो पता नहीं क्या बात थी क्या नहीं, है ना, वो समझ में आता कि 10 साल पहले हम कैसे दिख रहे थे, कहाँ पे थे कैसे, है ना। अब हम आगे मिले हैं कभी लाइफ में तो ये वीडियो देख के समझ में आ जाएगा कि यार हाँ हम वहाँ पर मिले थे, ये हमारी मेमोरी के लिए याददाश्त के लिए चीज़ें अच्छी रहती हैं और मज़ा भी आता वैसे, और कुछ लोगों को जलन भी होती है कि रिक्की बहुत लड़कियों से मिलता वीडियो बनाता है ना, तो मैं लक्की हूँ इस मामले में, और जो मेरे को चाहिए होता ना वो मेरे को मिल जाता है। और एक चीज़ और बताऊँ रिचा, मेरे को अभी क्या है दो चीज़ों की, भाई 2 मिनट रुक जाओ यार बाद में कॉफ़ी पियेंगे ठीक है ना, डोंट डिस्टर्ब मी यार ठीक है, आपको पता नहीं बातें चल रही यार बीच में, मैं भूल गया क्या करता रिचा, मेरे को दो चीज़ हमेशा, भाई 1 मिनट रुकेगा यार हाँ तो अभी क्या बोला था ना, मेरे को 2 चीज़ें बहुत साथ देती हैं और शायद मुझे आने टाइम में वही आगे लेके जाएंगी, कौन सी पता है, एक तो मीडिया और एक लड़कियाँ। ओके जैसे मीडिया मेरे को कवर करती है और लड़कियों को मैं कवर करता रहता हूँ ठीक है, तो अच्छी बॉन्डिंग है और मज़ा आता है वीडियो बनाने में इसमें ठीक है। तो रिचा के साथ आज ये वीडियो जो लड़की बोलती है कि हम अकेली कहीं नहीं जा सकती, वो जा सकती हैं घूम सकती हैं, रिचा आपके सामने, रिचा हर जगह घूमती रहती है ना रिचा, तो रिचा को मैं, रिचा की ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, और एक्सक्यूजेस मत दिया करो यार ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, कुछ देते रहते हैं ऐसे बोलते रहते हैं, तो लड़कियों यू कैन डू दैट, तुम सब कर सकते हो जो रिचा कर सकती है यार ठीक है, यू एंजॉय और घूमो फिरो ऐसा करो, किसी बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है। कट करते हैं कैमरा, थैंक यू सो मच, मुझे पता था, मुझे लगता कि मेरा वीडियो बन गया रिचा के साथ में, अभी मैं इंस्टाग्राम की रील बनाऊंगा, जलने वालों को जलाऊंगा।